पहली सूची में जो आपने बात कही है कि चली या नहीं चली, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप ही के और आपके मित्रों के जो है कुल मिलाकर के दिमाग और की उपज के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सभी निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं और हम सब मिलकर के साथ बैठ करके व्यापक चर्चा विभिन्न स्तरों पर करने के बाद में इस तरह का निर्णय करते हैं, क्योंकि ये तय है, सामने दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और जब किसी भी पार्टी की सामने दिखता है कि सरकार बनने वाली होती है, तब उसमें टिकट मांगने वाले लोगों की संख्या उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। जब संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, तब पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट न मिलने पर निर्णय आने के बाद में निराश होते हैं और उस निराशा से कोई स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रियाएँ कुछ जगह पर आती हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रक्रियाओं का जो तापमान है वो कुछ 2-3 दिन के बाद में ठंडा हो जाएगा। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के सरकार बनाने के लिए चुनाव में के मैदान में उतरने वाले। कांग्रेस पार्टी बेशक डरी हुई है अपने यहाँ होने वाले बवाल को बचाने के लिए, हालांकि उनके यहाँ बवाल होने वाला नहीं, अभी तो मुझे लगता है टिकट देने वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। हालत तो ये है कि कई मंत्रियों के टिकट अभी तक रुके में। अब क्यों रुके में ये प्रश्न मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है, मुझे उसमें हस्तक्षेप करने का कि न तो आवश्यकता और न अधिकार ही है। लेकिन टिकट मांगने वाले न होते हुए भी टिकट के बाद में होने वाले बवाल के डर से वो टिकट काटने से भी डर रहे हैं और आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं। देखिए, आपने कभी किसी देश दुनिया में जो भी कोई संत हुआ होगा, फकीर हुआ होगा, उसने कभी अपने आप को अपने मुंह से मैं बड़ा फकीर हूँ ऐसा नहीं सुना होगा। ये ढोंगी लोग जो फकीरी का लबादा ओढ़ करके भ्रष्ट आचरण और व्यवहार करते हैं और दोहरा जीवन जीते हैं, उन लोगों को अपने स्पष्टीकरण देने के लिए इस तरह के जो है अनर्गल बयान देना उनकी मजबूरी होती है। मुझे लगता है कि मैं यथेष्ट बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता खुद तय करे कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है या कहाँ जाकर के चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। कम से कम मैं तो जिस विचार परिवार से आता हूँ, जहाँ मैंने शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वहाँ व्यक्ति किस उत्तरदायित्व के साथ में काम करेगा, किस दायित्व के साथ में काम करेगा, ये व्यक्ति तय नहीं करता, संगठन तय करता है। संगठन निर्णय करेगा जो निर्णय करेगा। और मैंने तो इससे आगे बढ़ करके भी कई बार कहा है कि मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया उसके बाद में, आज भी अगर मेरा संगठन और मेरा परिवार ये तय करता है, मेरे वरिष्ठ जन बैठ करके ये तय करते हैं कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र के बजाय किसी और क्षेत्र में जाकर के अधिक उपयोगी रूप में काम करना है, तो मैं तो सहर्ष उसके लिए भी तैयार रहता हूँ।